आना स्वाभाविक है। तो मेरा आपसे एक अनुरोध है, इस पत्रकार वार्ता की और आज जो एक विशेष हमारे युवा साथियों की तरुणाई राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रही है, इसकी संजीदगी को समझते हुए कृपया करके बहुत सारे साथी जो हैं वो चुप रहेंगे ताकि पत्रकार वार्ता हम चालू रख सके। खास तौर से जो दाएं हाथ को साथी हैं मैं उन्हें अनुरोध करूंगा या तो शांत रहिए नहीं तो हॉल से बाहर खड़े हो जाइए। नमस्कार मित्रों, आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इस विशेष पत्रकार वार्ता में आप सबका, जो मेरे सामने बैठे हैं पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु, टेलीविजन के साथी और बहुत सारे हमारे जोशीले युवा, आप सबका श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मैं स्वागत करता हूं। आज हम सबके लिए एक विशेष दिन है क्योंकि इस मंच पर वो दो नौजवान बैठे हैं जो अब किसी परिचय के मोहताज नहीं और जो अपने आप में जिन्होंने लगातार मोदी सरकार और हिटलर शाही की जो नीति है जो 7 साल से इस देश में चल रही है अपने अपने तरीके से युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए उन्होंने एक व्यापक संघर्ष किया। हमारे इन साथियों को यह लगा कि यह आवाज तब और बुलंद हो पाएगी जब यह आवाज कांग्रेस और राहुल गांधी जी की आवाज में मिलकर एक और एक 11 की आवाज बन जाएगी। और मैं आभारी हूं हमारे साथी कन्हैया कुमार जी, हमारे साथी जिग्नेश मेवानी जी और मेरे एक और मित्र जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं गुजरात प्रदेश के, हार्दिक पटेल जी, वो भी उनके साथ उपस्थित हैं। मैं आप सबका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बगैर किसी विलंब के सबसे पहले महासचिव संगठन उनसे अनुरोध करूंगा कि वो संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे और उसके बाद फिर हम आप लोगों को कहेंगे कि वो आप अपनी बात यहां पर रखें। आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी, डियर फ्रेंड्स, दिस इज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू बी हियर इन द आईसीसी ऑफिस टू रिसीव कन्हैया कुमार जी एंड जिग्नेश मेवानी जी एंड अदर कोलीग्स। ऑलरेडी रणदीप जी टोल्ड यू दैट कन्हैया कुमार एक्चुअली इज अ सिंबल ऑफ fighting freedom of expressions in this country. The way in which he fought against the fundamentalism throughout his student education time, the country witnessed. There was that type of young personality is joining Congress, is will enthusiast entire cadre of the Congress party all over India. We are very much thankful to Kanhaiya Kumar on behalf of All India Congress Committee. We are all heartedly welcoming Kanhaiya Kumar ji to this grand old party. Of course, it's indeed happiness. Jignesh ji is also here, who is also fighting for the same cause which Congress is fighting.
Jignesh ji, through his activities, through his interventions, already proved that he also believed the Congress ideology to carry everybody for the future. Other colleagues are all here who are worked with Kanhaiya Kumar ji and Jignesh ji. Definitely, it will give a very strong message to the country that young generation, those who are fighting for the needy people, poor people, those who are fighting for freedom, those who are fighting for non-violence, they must enthusiasm through this entry of our young leaders to the Congress Party. Honorable former Congress President Rahul Gandhi already met these young leaders, and he also expressed his happiness to these people for them being in the Congress Party. Definitely, coming days, we will look forward with work with Kanhaiya Kumar ji and Jignesh ji, others, to defeat the fundamental fascist forces of the country which is ruling in India. Thank you. Thank you. Before I request Kanhaiya ji and Jignesh ji, may I request our in charge of Bihar, Bhaktacharan Das ji, to say a few words. Respected Venugopal ji, Shirwala ji, Bansal ji, Nitin ji, or PC President Bihar and all other friends. आज हमारे लिए बहुत ही उत्साहजनक दिन है कि आज शहीद भगत सिंह जी के जयंती पर एक ऐतिहासिक निर्णय कांग्रेस पार्टी भी लिया और कन्हैया जी और जिग्नेश जी भी लिए हैं, और उनको सम्मान करके, माल्यार्पण करके हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वहाँ पर माल्यार्पण करके, उसके बाद राहुल जी उनको भारत के संविधान का भेंट किए हैं हमारे कॉन्फ्रेंस हॉल में। संविधान का संरक्षण, उसके अधिकारों को लेके जो हर जन हमारे देश में जन जन के लिए लड़ाई का ज़रूरत है, और दोनों लड़ाकू, दोनों संघर्षशील, दोनों निर्भीक और साहसिकता के साथ देश में अपनी बात उठाए हैं, व्यक्ति संगठन और स्वतंत्रता और संस्थानों की स्वतंत्रता के लिए लगातार लड़ते आए हैं, कमजोर वर्ग और बेबस बेसहारा के लिए आवाज़ बनी रहे हैं। तो जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी के दिल में गरीब और कमजोर वर्ग के लिए दर्द है, जिस तरह से राहुल जी अपनी बात उठाते हैं साहसिकता के साथ, हर इशू में अपनी मुद्दा को, अपनी बात को रखते हैं, देश के हित में, किसानों के हित में, दलित आदिवासी और पिछड़े वर्ग के हित में, महिलाओं के हित में, उसी तरह से एक विचारधारा जो आज जिग्नेश मिगलानी जी का है और कन्हैया जी का है, विचारधारा में मिलन है। कई दिनों से, कई बार मेरे जानने में ये डायलॉग में रहे हैं आदरणीय हमारे नेताजी के साथ और राहुल जी के साथ, और ये राहुल गांधी जी के विचारधारा के साथ एकमत होके हर बिंदुओं पर, चाहे संविधान के ऊपर हो, चाहे लोगों के प्रति उनका दुख दर्द में साथ देने के हो, लड़ाई लड़ने के हो, निर्भीकता के ऊपर हो और संविधान का संरक्षण के ऊपर हो, उस सारे में एक लाइक माइंडेड नेचर चरित्र देखा गया है, और एक मजबूत कड़ी की तरह वो कांग्रेस के साथ जुड़े हैं। दोनों के दोनों हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए और देश के लिए एक बहुत बड़ा योगदान करेंगे,
यही आशा हमारा है और इन्हीं बातों के साथ मैं दोनों को स्वागत करता हूं कांग्रेस पार्टी में और बिहार की धरती पर कन्हैया जी के लिए बहुत बड़ा संघर्ष इंतजार कर रहा है और जिग्नेश जी के पर भी पूरे देश भर में हमारे नितिन रावत जी दलित वर्ग के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसी लड़ाई को पूरे दलितों की लड़ाई को देश भर में आगे ले जाने के लिए उनमें भी जो हिम्मत है उस हिम्मत के साथ वो योगदान करेंगे, यही आशा के साथ मैं अपनी बात का समापन करता हूँ। शुक्रिया भक्त चरणदास जी। और अब जिसका हमें इंतजार था, मैं सबसे पहले अनुरोध करूँगा श्री केसी वेणुगोपाल जी से, श्री पवन बंसल जी से, कि वो कांग्रेस का तिरंगा पटका कन्हैया कुमार जी को पहनाकर उनका औपचारिक स्वागत कांग्रेस पार्टी में करें। सर एक सेकेंड, लेट मी अनाउंस दैट ऑल्सो। बंसल साहब और कन्हैया जी का स्वागत करेंगे। और मैं अब अनुरोध करूंगा हमारे साथी नितिन राउत जी से और उनके साथ साथ भक्ताचरण दास जी से, केसी वेणुगोपाल जी से, बंसल साहब से, कि वो जिग्नेश मेवानी जी का भी औपचारिक तौर से हमारी विचारधारा से जुड़ने के लिए, कांग्रेस की विचारधारा के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए स्वागत करें। भैया बहुत शुक्रिया। और नहीं ठीक है, बिल्कुल आई एम हैप्पी विद इट। नाउ पुल योर चेयर।